तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं फंक्शंस, वीवीए माइक्रो फंक्शंस। सबसे पहले इस बात को जानिए कि वीवीए फंक्शन की जरूरत क्यों है, राइट? तो वीवीए फंक्शन की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है ताकि हम अपने हिसाब से फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ सके। और पहली कि फंक्शन लगाते कैसे हैं, तो आप वही तरीके से लगाएंगे जिस तरीके से आप मैक्रो क्रिएट करते हैं। बस दिक्कत यही है कि आप सब सब मैक्रो लिखते हैं, यहां पे लिखना पड़ता है फंक्शन और फिर फंक्शन का नेम। जैसे मान लीजिए ना कि मेरे पास यहाँ पे नाम है सुजीत, नहीं नाम तो हाँ यहाँ पे सुजीत एंड कुमार, मुझे इसमें से कुमार को अलग करना है, राइट? तो यहाँ पे फंक्शंस, आपको फॉर्मूला का नाम, तो मैं राइट नेम करके हमने कर दिया यहाँ पे। एक से होल्ड कीजिएगा, आशीष जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? अब मैं डालूंगी देखो पापा, ठीक ठाक। हेलो, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो होगा, हमने लिखा फंक्शंस, फंक्शंस के फॉर्मूला का नाम और यहाँ इनपुट की, फॉर्मूला लगाते समय इनपुट कितना होना चाहिए। मैं इनपुट किस तरीके का, जैसे मान लीजिए आप इफ फॉर्मूला लगाते हैं, तो इफ फॉर्मूले के तीन इनपुट है ना, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ऑफ ट्रू एंड वैल्यू ऑफ फॉल्स। तो उसी तरीके से जो फॉर्मूला लगाएंगे तो उसके अंदर हम कितने इनपुट रखेंगे, इसका डिक्लेरेशन आपको यहाँ करना पड़ेगा। तो मैंने बोल दिया कि एन एज ए स्ट्रिंग एक इनपुट है जो कि स्ट्रिंग होगी। अब पहला पार्ट होता है फंक्शन का डिक्लेरेशन, तो हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर लिया। अब बात करते हैं कैलकुलेशंस, तो कैलकुलेशंस के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पे देता हूँ कि dim r as a string और फिर r equal to, मैंने दिया राइट, r i g h t राइट, राइट में मैंने दे दिया n, n comma complete length माइनस इन एस टी आर एन, इसमें वन से स्टार्ट है, इन एस टी आर जस्ट लाइक फाइंड की तरह होता है, बस फाइंड का अपोजिट लगता है। तो एक कैलकुलेशन हो गया। और थर्ड पार्ट होता है, वो होता है असाइन, मतलब कि रिजल्ट को फॉर्मूले के ऊपर असाइन करना। तो हर फॉर्मूले के तीन पार्ट होता है। अब देखिए क्या होगा कि बाहर आप फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे कि इक्वल, मैंने आर अंडरस्कोर एन किया, सिलेक्ट किया तो कुमार, तो ए वन की जो वैल्यू है, ए वन की वैल्यू आपकी आपकी स्टोर हो गई किस पे, स्टोर हो गई आपकी आर एन पे, राइट सर? आर एन पे स्टोर हो गई, इस पे सॉरी एन पे, आर एन के एन पे स्टोर हो गई। फिर इसने राइट चलाया कि राइट एन में से इसकी कंप्लीट लेंथ माइनस इन एस टी आर, मतलब कि फाइंड हो गया, जैसे हम नॉर्मली एक्सेल में करते हैं ना, वही लगा लिया। तो जो भी रिजल्ट था, और रिजल्ट कहाँ स्टोर था, आर के ऊपर। तो मुझे बाहर प्रिंट करने हैं जो फॉर्मूला नेम है, उस फॉर्मूला नेम के ऊपर उसको असाइन कर। तो फंक्शन की डिक्लेरेशन समझ में आया सर? अभी जैसे अभी आपने आई एन एस टी आर लगाया है फाइंड के जगह पे, अगर सुजीत कुमार सिंह हो तो जो मीट का फॉर्मूला बहुत लंबा होता है, वो तो हम फिर कैसे निकालें? वो करेंगे हम अभी आपको फॉर्मूले के कंसेप्ट समझा रहे हैं, आप कंसेप्ट को समझिए, बाकी चीज हम बाद में बात कर लेंगे। ओके, फॉर्मूला के कंसेप्ट समझ में आ गया ना? ये तो समझ आ रहा है। हम आपको फॉर्मूले का लिस्ट देंगे पूरा कि एनएसटीआर के जैसे फॉर्मूले और कौन कौन से है वीवीए के। ओके ओके,
ठीक है। और कुछ है सर? सर एक बार ये थोड़ा फिर से समझाओगे, आपने एक तो n एज ए स्ट्रिंग लिखा क्योंकि हाँ। आप टेक्स्ट को रेफर करवा रहे हो फॉर्मूले में, एंड देन dim r एज स्ट्रिंग, n हो गया हमारा स्ट्रिंग, मतलब कि n इनपुट हो गया, मतलब फॉर्मूला लगाते समय जो हम एड्रेस सेलेक्ट करेंगे एड्रेस की वैल्यू इस पे आके होल्ड हो जाएगी। ठीक है ठीक है। और फिर dim r एज स्ट्रिंग किया हाँ, उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया जिसपे हम अपना रिजल्ट को स्टोर कर सके। ओके ठीक है सर। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया और कैलकुलेशन हमारी स्टोर हो गई आर के ऊपर, और फिर हमने फॉर्मूला नेम पे उस आर को असाइन कर दिया ताकि फॉर्मूला, क्योंकि हमें जो बाहर रिजल्ट देगा वो आपका फॉर्मूला ही देगा ना, तो हमने फॉर्मूले के ऊपर दे दिया, इसको असाइन कर दिया। और फॉर्मूला भी एक तरह का वेरिएबल है, इसका ध्यान रखिएगा। अब चलिए कुछ अलग सा करते हैं जिससे है आपको मजा भी आएगा। तो जैसे कि हमने पहले बताया था कि हमें वीवी फंक्शन की जरूरत क्यों होती है, क्या सर? अब चलिए इसी इसी का करता हूं मैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम अपने हिसाब से फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सके, जरूरत क्यों पड़ती है? अब आपके सामने एक डेटा यहां दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा रहा हूं इसमें। अब इसमें क्या है कि मेरा डेटा है, इसमें नेम और सेल्स है, और नेम कई बार रिपीटेड है। अब मैं जैसे यहाँ पूजा का लिखा मैंने और पूजा की वैल्यू चाहिए, तो वी लुकअप लिस्टिंग की मदद से आप अलग अलग सेल में तो ला सकते हैं ना आप, क्या इस तरह से? लेकिन मुझे चाहिए इस तरह से कि 7,12,62 इस तरह से चाहिए, समझे? अब इसके लिए एक्सेल में कोई फॉर्मूला नहीं है और नहीं हम एरे से कर सकते क्योंकि एरे भी यूज नहीं हो पाया, कि टेक्स्ट एरे यूज नहीं होता है। तो कैसे करें? तो चलिए जस्ट सिमिलर टू वी लुकअप हम फॉर्मूला बनाते हैं। यहां पे लिखेंगे फंक्शंस, हम यहां लिखते हैं मल्टीपल लुकअप, एम लुकअप के नाम से, ठीक है, और ब्रैकेट ओपन किया हमने। उसके बाद यहां पे हम देते हैं n एज ए वेरिएंट। अब यहां पे वेरिएंट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वी लुकअप में कुछ भी लुकअप हो सकता है। फिर r एज ए रेंज एंड c एज ए लॉन्ग, तीन इनपुट्स हुआ, मतलब कि यहां पे होगा m लुकअप का फॉर्मूला, ए समझ, ए होगा लुकअप वैल्यू आपका, ए होगा रेंज, और मुझे चाहिए पहले नंबर कॉलन का, ठीक है, जैसे वी लुकअप में देते हैं ना उस तरह से। तो यहां पे अब देखिए जो पूजा है वो पूजा स्टोर हो गया एन के ऊपर, रेंज असाइन हो गया आर के ऊपर, और हमने जो यहां पे मैनुअल वन लिखा वह वन हो गया किसके ऊपर? सी के ऊपर। तो हमारा फॉर्मूला डिक्लेरेशन हो गया। अब चलते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो यहां पे लिखते हैं डिम के एज ए रेंज, और यहां लिखते हैं कि 4HKNR नेक्स्ट के, और यहां देते हैं कि इफ के डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एन, देन अब रिजल्ट भी तो चाहिए हमें, तो मैं यहां पे लिखता हूं डिम आर ई एज ए स्ट्रिंग, क्योंकि कॉन्कैटेनेट होगा तो स्ट्रिंग ही रहेगा वो, यहां पे लिखते हैं आर ई इक्वल टू आर ई के साथ कंबाइन हो यहां कॉमा के साथ, कौन सा?
तो के डॉट ऑफसेट और यहाँ पे हमने 0, C:\Value और इसी प्रोसेस को चलाएगा पूरे रेंज के ऊपर जहां जहां वैल्यू हमारा मैच करेगा। इसके बाद क्या होगा, रिजल्ट कहां स्टोर हो गया, RE पे स्टोर है। अब हम यहां पे कैलकुलेशन पार्ट खत्म हो गया, तो यहां पे करते हैं एम लुकअप इक्वल टू RE, राइट। अब देखिए ये आपके सामने रिजल्ट आ गया। हाँ आ गया, देखता हूँ। कॉमा पहले इसलिए आया कि फर्स्ट बार तो RE ब्लैंक ही था ना, RE ब्लैंक। कोई डाउट किसी को? अब यहां पे हमने 4 each क्यों लगाया? सर वो हर जो रेंज आपने डिफाइन की है, हाँ, उस रेंज में फॉर्मूला लगाते समय जो हम रेंज देंगे उसकी हर एक सेल को जाएगा चेक करेगा, हर एक सेल पे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे कोई और वी लुकअप के अलावा कोई और फॉर्मूला नहीं है ना जो लुकअप करे, तो हमने यहाँ पे वी लुकअप का यूज नहीं किया या लुकअप मेथड का यूज नहीं किया। हमने क्या किया, हर एक सेल को चेक किया और वैल्यू लिया। सर एक चीज है, इसमें हम फॉर ईच आइटम नहीं लिख सकते ना, फॉर ईच आइटम नहीं, नहीं ना, आइटम एरे के लिए होता है ना, एरे के लिए, ठीक है। और सर बट ये एक ये RE वाली लाइन एक बार आप फिर से समझा दो कि के डॉट ऑफसेट 0, C। हाँ मतलब ये हुआ कि के डॉट वैल्यू मतलब कि ये वैल्यू मैच हो रही है पूजा से, तो इसकी अगली सेल की वैल्यू उठा ले, तो इसकी अगले के डॉट ऑफसेट कॉमा, क्योंकि किस कॉलम का कॉलम कोई भी हो सकता है ना सर, फिक्स तो नहीं है ना। अब मैं यहाँ पे अगर फिक्स कर दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो हमने सी उठा लिया कि भाई कॉलम नंबर यूजर डालेगा, तो सी हमने बोल दिया कि के डॉट ऑफसेट 0, C:\Value। इसकी वैल्यू जो है वो वैल्यू स्टोर नहीं हो, कंबाइन हो RE के साथ, क्योंकि इस पे कई सारे वैल्यू है, अगर हमने स्टोर करा देंगे तो वो रिप्लेस कर देगा, ठीक है। ठीक है सर, और किसी को डाउट है इस पे? अब चलिए बात करते हैं कि यहाँ बाहर एक कॉमा है, उस कॉमा को कैसे हटाया जाए। तो सिंपल सा यहाँ कर देते हैं कि RE में राइट राइट नहीं हाँ राइट RIGHT राइट RE से हमने कॉमा कर दिया लेन RE-1। हमने बोला कि एम लुकअप राइट RE से RE-1, तो क्या हुआ कि राइट से उसकी कंप्लीट लेंथ से एक कम वैल्यू उठाएगा, तो जाहिर सी बात है कॉमा नहीं आएगा, समझ गए सर। तो चलो एक चीज तो हमने बताया, तो अब एक चीज हमने बताया, अब मल्टी शीट वी लुकअप याद है सर आपको? सुजीत सर, हाँ जी, इसमें एक्चुअली एक चीज में कंफ्यूजन आ रहा है, जैसे इसमें वैल्यू कैसे आ रही है, जैसे इसमें वो तो लिख नहीं रहे हम सी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू RE करके जब लिखते हैं कि उस कॉलम, यहाँ पे कॉलन नहीं पता है ना, यहाँ पे R रेंज डाला हुआ नहीं दिख रहा आपको सर? हाँ, तो यूजर जो रेंज डालेगा उस रेंज के हर एक सेल में जाएगा और उसकी सामने वाली वैल्यू उठाएगा। नहीं नहीं, आप एक बार एक्सेल में जाना, मतलब मैं ये कहना चाह रहा F3 में जैसे वैल्यू आ गई है आपने जो करा, इसमें कहीं भी ये तो लिखा है नहीं कि ये वैल्यू F3 में जाके स्टोर मतलब पेस्ट होगा। हाँ,
F3 में पेस्ट नहीं ना करना है हमें, हमें फॉर्मूला लगाया ना, तो फॉर्मूला जहां लगेगा वहां रिटर्न करेगा ना सर। जैसे आप यहां पे अगर मान लीजिए कि आपने इसको मल्टीप्लाई बाय 20 कर दिया तो कैसे रिजल्ट यहां शो कर रहा है आपको, उसी तरीके से यहां शो कर रहा है क्योंकि फॉर्मूला जहां फॉर्मूला लगेगा वहां शो करेगा ना। तो और जहां ये लग, ये जो आपका एम लुकअप दिख रहा है आपको सर, एम लुकअप रिजल्ट दे रहा है क्योंकि हमने सारी रिजल्ट जो है एम लुकअप को दे दिया है, तो एम लुकअप शो कर रहा है। जैसे कि जैसे आपका कोई रेंज देते से आपने लिखा यहाँ पे A1, ये क्या करेगा, A1 की वैल्यू शो कर देगा। yes. उसी तरीके से एम लुकअप जो है, एम लुकअप अपनी वैल्यू शो कर रहा है जस्ट लाइक A1। अब एम लुकअप की वैल्यू कहां से आ रही है, तो एम लुकअप की वैल्यू इस लाइन से आ रही है क्योंकि हमने सारी वैल्यू को, जो भी रिजल्ट हमारा निकला था उस रिजल्ट को हमने एम लुकअप पे स्टोर कर दिया। ओके। और एम लुकअप जैसे पहले बताया कि एम लुकअप भी एक तरह का वेरिएबल है, तो वेरिएबल की तरह बिहेव करके रिजल्ट पब्लिश कर रहा है। Okay. तो अब आपको क्या करना है, मल्टी शीट वी लुकअप, मल्टी शीट वी लुकअप का VVA कोड बनाना है। ठीक है, यूट्यूब पे अगर आपको मल्टी शीट मल्टी शीट वी लुकअप भूल गए होंगे तो मल्टी शीट वी लुकअप के वीडियोज मेरे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, उसको देख सकते हैं, लेकिन वो एक्सेल पार्ट का है। आपको VVA पार्ट के जरिए मल्टी शीट वी लुकअप बना के देना है, वो भी अभी।